Hello students, today I'll explain you the lesson A Triumph of Surgery. Triumph means jeet. Surgery एक hospital को कह सकते हो आप. Hospital में या इलाज की जीत इस तरह से ये story है. एक Tricky is a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does the dog recover? अब देखिए in this story there is a dog named Tricky. एक Tricky नाम का dog है और उसकी जो mistress है यानी कि जो उसकी मालकिन है वो उसको काफी ज्यादा पैम्पर करती है, मतलब लाड प्यार दुलार से रखा हुआ है, काफी ज्यादा खिला पिला देती हैं और वो बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गया. तो उन्होंने एक जानवरों के सर्जन से कंसल्ट किया और उन्होंने उसको मतलब अपने हॉस्पिटल में एडमिट किया. तो क्या उन्होंने उसका कोई ऑपरेशन किया, कैसे वो क्या वो रिकवर हो पाया डॉग, इसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. लेट्स कंटिन्यू. एज I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with mistress and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat like a blotted sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy stared ahead and his tongue lolled from his jaws. अब देखिए इसमें जो ये स्टोरी है वो कौन सुना रहा है, आई यहाँ पर नरेटर है. नरेटर मतलब जो एक कहानी सुना रहा है वो कह रहे हैं कि मुझे Tricky की कंडीशन को देख के बहुत ज्यादा अफसोस हुआ जब मैंने उसको उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा गली में. बहुत मोटा हो चुका था, उसकी टांगे जो है एकदम मोटी मोटी सी जैसे सूजी हुई सी, ब्लॉटेड सॉसेजेस एक तरह का व्यंजन होता है जैसे आप कह सकते हो मीट का से बना हुआ. एंड उसकी आईज जो थी काफी एकदम लाल हो रखी थी, र्यूमी सी, और वो देख रहा था बिल्कुल सीधा. और उसकी जो टंग थी, उसकी जुबान जो थी वो बाहर जबड़ों से लटक रही थी. मिसिज प्रैम्फ्रे हैसन टू एक्सप्लेन ही वॉज लिस्टलेस. मिस्टर हैरियट He seemed to have no energy. अब मिसिज पैम्फ्रे जो है काफी जल्दी जल्दी में सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है डॉक्टर को. वो डॉक्टर का नाम क्या है यहाँ पर देखिए, मिस्टर हैरियट. मिस्टर हैरियट कि इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, ये सुस्त हो गया है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. Some malt, cod liver and oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब देखिए जो हम meals लेते हैं, 3 meals लेते हैं, breakfast, lunch and dinner, उसके बीच में भी उनके अलावा भी उनको लगा Mrs. Pamphrey जो Tricky की mistress हैं उनको ये लगा कि शायद इसे मेल न्यूट्रिशन हो गया. मेल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण, इसको मतलब कमजोरी हो गई है, इसको ठीक से पोषण नहीं मिल पा रहा है. तो उन्होंने बीच में भी सब उसको मील्स देना शुरू कर दिया, लंच डिनर और ब्रेकफास्ट के अलावा भी. और क्या क्या दे रही थी उसको, मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स वगैरह दे रही थी और ताकि वो आराम से सो सके. तो ये सब वो बता रही है उसको, किसको बता रहे हैं, डॉक्टर को एंड मिस्टर हैरियट को. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. तो मैं कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि इसको मीठी चीजें नहीं देनी है, क्या तुमने वो बंद की. ओ आई डिड फॉर अ बिट, थोड़े दिनों के लिए की, बट सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. ही डज लव क्रीम केक्स चॉकलेट सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज इट. तो कहते कि मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत वीक हो रहा है तो मैं मना नहीं कर पाई. उसको बहुत पसंद है क्रीम केक्स और चॉकलेट्स तो मैंने उसको वो दे दिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई.
आई लुक डाउन अगेन एट द लिटल डॉग. मैंने उस कुत्ते को फिर से देखा, लिटल डॉग को. देर वॉज दैट वॉज द ट्रबल. तो यही परेशानी थी. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीट. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड. ही वुड टैकल अ मील एट आर ऑफ द डे और नाइट. एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट द ऑल थिंग्स मिसेस पेम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड. अब देखिए, अब उसको देख रहे हैं डॉग को, डॉक्टर देख रहा है तो बोल रहा है कि सबसे बड़ा जो गलती थी, जो फॉल्ट था, वो क्या था? वो ट्रिकी का ग्रीड था. ग्रीड मीन्स लालच. वो कभी भी किसी खाने की चीज को कभी भी मना नहीं करता था. रात का समय हो, दिन का समय हो, कोई भी टाइम हो, वो मना नहीं करता था. और मिसेस पेम्फ्रे ने ये सब चीजें उनको बताई नहीं थी. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो वो पूछते हैं कि तुम इसके एक्सरसाइज करवाते हो क्या? वेल ही हैज हिज लिटल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉडगेन द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लंबिगो एंड सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. अब देखिए, अब वो कहती है हाँ ये मेरे साथ थोड़ा घूम लेता है. जो उनका गार्डनर था हॉटगिन, वो बीमार था, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई थी और स्ट्रेन वगैरह की, और उसकी वजह से वो रिंग फेंकने के लिए कोई नहीं था. मतलब रिंग फेंक कर, जैसे आपने देखा होगा डॉग्स को एक्सरसाइज कराई जाती है कि वो लेके आते हैं, तो वो फेंकने के लिए कोई भी नहीं था. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Read the lesson carefully. Thank you.